छोटे पर्दे की दुनिया में टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट इन दिनों सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो बेहद सीजन 2 में नजर आ रही हैं माया के रोल में एक बार फिर से। साइको लवर से साइको विलन के अवतार में लोगों को दीवाना बनाते, लेकिन ये तो उनकी शो की बात हुई। अगर उनकी रियल लाइफ की बात की जाए तो रियल लाइफ में उनकी लव स्टोरी जब बहुत ही ज्यादा अनफ्रूटफुल एंडिंग की तरफ बढ़ गई, जब करण सिंह ग्रोवर के साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2012 में जेनिफर ने शादी की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि 2 साल बाद ही ये दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। खैर, डाइवोर्स के अब 6 साल गुजरने के बाद हम आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहेंगे कि गुड न्यूज जेनिफर ने खुद एक इंटरव्यू में दी। दरअसल अपनी मैरिटल लाइफ से लेकर अपने डाइवोर्सी लाइफ तक अपने एक्सपीरियंस को साझा करती हुई जेनिफर ने अपनी जिंदगी की उस गलती के बारे में जिक्र किया जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हैरान करने वाला सच था। जेनिफर का कहना था कि वो चाहती है हर कोई मिस्टेक करे और मिस्टेक से लोग सीखते हैं। वहीं शादी के बारे में, दूसरी शादी का क्या ख्याल है उनके जहन में, ये सवाल जब उनसे किया गया तो जेनिफर ने बताया, करण सिंह ग्रोवर से डाइवोर्स लेने के बाद मूव ऑन करने उनके लिए मुश्किल था, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थी, परिवार और दोस्तों का साथ था जिसके कारण वो मूव ऑन हो गई। और अब वो अपने जिंदगी में एक ऐसे शख्स की तलाश में है जिनके साथ उनका रिश्ता सिंप्लिसिटी, जेनेनिस और ऑनेस्टी का हो और कुछ भी नहीं। जी हाँ, प्रोफेशन मैटर नहीं करेगा, जिससे भी वो शादी करेंगी उनके प्रोफेशन से उन्हें कोई मतलब नहीं। इंसान अच्छा होना चाहिए, वो उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाने के लिए तैयार है। तो कंफर्म है कि जेनिफर दूसरी शादी करेंगी। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।